अल्लाह स्टूडेंट ग्रेड टेन आज हम पार्क स्टडी का जो है वो बस इसकी डिटेल एक्सरसाइज करेंगे जो लास्ट चैप्टर था वुमेन डेवलपमेंट का uh, इसके लॉन्ग क्वेश्चन आज हम करेंगे वट सर्विसज आर प्रोवाइडेड इन वॉय इन्स अगेंस्ट द वुमेन सेंटर्स तो स्टूडेंट इसका आंसर जो है वह है पेज नंबर वन ट्वेंटी सिक्स पे तो लेट्स ओपन ओपन दिस पेज वायन इन्स अगेंस्ट वुमेन सेंटर्स दी सेंटर्स विल प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज अंडर वन रूफ यानी एक छत्तर जो इतनी ज़्यादा सर्विसेज हैं ये सारी प्रोवाइड करेगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफ वॉयस अगेंस्ट वुमेन केसिस मेडिको लीगल एग्जामिनेशन एंड यानी मेडिकल एग्जामिनेशन होती है एंड कलेक्शन ऑफ़ एविडेंस ली जाएगी प्रोविजन ऑफ इमीजिएट प्रोटे ऑफ फॉर दीव वन एज वेल एज रिहेबिलिटेशन थ्रू द ट्रेन साइको साइकोलॉजिस्ट एंड द शल्टर होम्स यानी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि अगर इनको साइकी साइकोलॉजिकल इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रखा गया है बहुत डिस्ट्रेस रखा गया है तो साइकोलॉजिस्ट की हेल्प भी ली जाती है जिससे आ, इनकी तो परेशानी का सही पता भी चल सकता है और फिर इनको इस परेशानी के निकलने में आ, क्या स्ट्रैटी अपनानी है तो वो साइकोलॉजिस्ट जो है ना उनको हेल्प आउट करते हैं और शेल्टर होम्स में उनको फिर पना दी जाती है एस्टेबलिशमेंट ऑफ एन ऑफ एन इफेक्टिव सिस्टम फॉर द रिसिपियट एंड रिड्रेस ऑफ द कम्पलेंट्स की जो भी एक इफेक्टिव सिस्टम होगा कि uh, जो कम्पलेंट्स हैं ताकि उनको uh, हम मसूल कर सकें और उनको uh, दुरुस्त भी कर सकें या उस तो सामने लेकर आ सकें मेडियशंस बिटवीन द पार्टीज़ फ़ॉर द रिजोलूशन ऑफ द डिस्प्यूट्स इन दोनों पार्टी के दरमियान के खातिन खातुन को जिससे मसला है शोहर है जो भी फैमिली मेम्बर है जिससे वो ज़्यादा प्रॉब्लम प्रॉब्लम फील करती हैं तो दोनों पार्टीज़ को देखा जाता है कि उनके जो डिस्प्यूट है जो झगड़े की वजह है वो क्या है और उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है अंडर द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट टू थाउजेंड सिक्सटीन वर्किंग एज ए कम्यूनिटी सेंटर फॉर द गाइडेंस ऑफ वुमेन रिगार्डिंग ऑल गवर्नमेंट रिलेटेड इनक्वायरीज तो स्टूडेंट ये इसके काम है फिर इस सेंटर के अगला हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमारा है डिस्क्राइब द साइलेंट पॉइंट ऑफ द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट टू थाउजेंड सिक्सटीन तो स्टूडेंट इसको हम इस क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास था ये क्वेश्चन नंबर फोर शॉर्ट था तो उसमें हम पूरे ही पॉइंट्स पर रीड आउट कर चुके हैं जबकि मैंने कहा था कि शॉर्ट में आप एटलीस्ट थ्री फोर पॉइंट्स पर लिख दीजिएगा सबसे पहले इस एक्ट को बताइएगा तो इस लॉन्ग क्वेश्चन में फिर आप ये सा, सारे पॉइंट्स बताएंगे जो कि पेज नंबर वन ट्वेंटी फाइव पे हैं स्टूडेंट्स ये जो लॉन्ग जो टू है उसमें एक तो सबसे पहले आप बताएंगे कि पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट था वो किस बारे में था और कब नाफिस किया गया था Uh, ये उसके uh, किस uh, किन सिचुएशंस uh, पे ये uh, किन किस्म के ऑफेंसेस पे ये नाफिस था तो ये वो टाइप्स लिख देंगे और फिर आपने जो है ना uh, क्या क्या स्टेप्स लिए थे तो वो इसके साइलेंट फीचर्स ये वाले हैं स्टूडेंट्स तो फिर आपने uh, ये सारे लिखने हैं अगर ये लॉन्ग में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स साहब आपको समझ आ गई अब हम नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं डिस्क्राइब दिस्क, द फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन कमेटी uh, तो ये भी हमें मिलेगा पेज नंबर वन ट्वेंटी सिक्स पे फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वोमेन प्रोटेक्शन कमेटी अंडर द एक्ट द न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट वोमेन प्रोटेक्शन कमेटी वेल क्या करेगी वो उसके काम क्या हैं सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द वायलेंट्स अगेंस्ट वुमेन सेंटर्स के जो ये सेंटर्स हैं उनको सुपरवाइज करेंगी शेल्टर होम्स को देखेंगी एंड टोल फ्री हेल्पलाइन एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इम्प्रूव द इम्प्रूव दियर सर्विसेस develop uh लेजन विद अदर डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज़ इन द डिस्ट्रिक्ट सो देट द डिवाइंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर कैन परफॉर्म दियर टास्क सेटिसफैक्ट्रिली कि वो दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं एजेंसीज हैं जिससे एन जी ओज वगैरह हैं तो उनके साथ क्या करेंगे वो अपने ताल्लुक को बेहतर करेंगे उनके साथ आ, कुछ इस तरह कोआर्डिनेट करके काम करेंगे कि जिससे इनका जो ये सेंटर है आ, तो वो बेहतर तौर पर आ, तसली बख्श तरीके से काम कर सके Mediate between the parties to resolve their disputes under Punjab Protection of Women Against Violence Act 2016. Ensure that the cases of the violence registered in any police station are referred to the violence against K violence uh, ke cases uh, police station mein register to kya wo is, uh, act kender atehe to investigate karna hai. discuss discussed the problems being faced by the violence against women uh, centers and shelter homes in order to सोल्व दें तो स्टूडेंट ये कुछ क्या काम हैं इनके फिर डिस्ट्रिक्ट वोमन प्रोटेक्शन कमेटी के यहाँ तक हमारा जो पार्क स्टडी का सारा कोर्स है कम्प्लीट होता है स्टूडेंट्स मेक श्योर करें कि जो आपको जिस तरह से बताया गया आप उस तरह ही अपने कॉपी पर और बुक्स पर नोट डाउन करें क्वेश्चन आंसर्स को भी एम सी क्यूज को भी अपना बहुत ख्याल रखेगा अल्लाह हाफिज़